ब्रह्म प्रकाश जी, जो दो दिन का आज सेमिनार रहा विज्ञान भवन के अंदर, इसको अनुसूचित जाति या बहुजन समाज को क्या फायदा होगा? देखिए ऐसा है, पहले तो मैं इसके परिपेक्ष में बता दूं कि ये जो 26 नवंबर 1949 को जो किया गया था और 1950 में ये लागू किया गया था, अब इससे ये जाहिर होता है कि जिस प्रकार से देश का सबसे बड़ा ग्रंथ है, ये ग्रंथ ऐसा ग्रंथ है कि ये किसी धर्म का नहीं है, किसी जाति का नहीं है, किसी आम आदमी का नहीं है, ये पूरे देश का ग्रंथ है। इसको इस दिन लागू किया गया था और आज की तारीख में देश के 70 साल बाद बाबा साहब के संविधान दिवस को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री द्वारा ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसके माध्यम से इंटरप्रेन्योरशिप, जिसको कहें हम उद्यमीकरण, जो दलित वर्ग नौकरियों के लिए इधर उधर भागता है, दौड़ता है, क्लास 4 में और क्लास 3 में नौकरियां ठेकेदारी पर जा रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस हो रहा है, नौकरियां का जो दायरा है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि अधिकतर लोग दलितों के साथ साथ कुछ और भी गैर दलित हैं जो पिछड़ी जाति के हैं, वो ठेकेदारी प्रथा की वजह से सारी नौकरियां डिटेरिएट हो रही हैं। अब इनको लाने के लिए, क्योंकि ये क्लास 4 में MTS की नौकरी में क्या होगा कि उसको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर 8,000 या 9,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, लेकिन 9,000 रुपये तनख्वाह से वो अपना घर नहीं चला सकता, अपने बीवी बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, वो भी ठेकेदार उसको आगे पीछे करके उसको वो करते हैं, दो दो महीने की तनख्वाह रोक के रखते हैं, ठेकेदार उनका खून चूसते हैं। इसलिए भारत सरकार का ये जो बिजनेस करने का, वित्त मंत्रालय, सामाजिक न्याय मंत्रालय और श्रम मंत्रालय, एग्रीकल्चर मंत्रालय और तमाम जितने भी उद्योग मंत्रालय हैं, ये सारे भारत सरकार की तरफ से दलितों के लिए एक योजनाओं के लिए पैसा दिया जाता है कि जिन लोगों को रोज़गार चलाना है, नौकरी ना करके जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, टेक्निकल एजुकेशन जिनके पास है, इंजीनियरिंग जिन्होंने की है, उनको बिजनेस करने के लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा कैसे कैसे पैसा इनको मिलेगा, कहां कहां से मिलेगा, कितना कितना पैसा मिलेगा, इस योजनाओं से दलितों के उद्धार के लिए इस कार्यक्रम को 2 दिन तक के लिए रखा गया था। ब्रह्म प्रकाश जी, जैसे कि आज देखा गया है कि जो यहाँ स्किल इंडिया की बात करते हैं, भारत सरकार, आपने भारत सरकार का नाम लिया कि सर ये जो एक शहर के अंदर, कस्बों के अंदर ऐसा चल रहा है कि जो कहते हैं ना कि वो पैसों को पैसा बढ़ाता है, लेकिन गाँव देहात की तरफ अभी तक कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हमने इसमें एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए भी सरकार के सामने, चूँकि यहाँ पर कल प्रेसिडेंट महामहिम राष्ट्रपति महोदय यहाँ पर इसका प्रोग्राम की शुरुआत करने आए थे और वो 2 घंटे यहाँ पर रुक कर गए हैं, और आज माननीय केंद्रीय मंत्री श्री थावरचंद गहलोत जी और भी कई मंत्री आए हैं यहाँ पर, और एग्रीकल्चर मिनिस्टर कृष्णा राज जी भी आई हैं आज। हमने उन लोगों के सामने एक बात रखी है कि देश में जब वन नेशन वन GST टैक्स हो सकता है, तो देश के अंदर सिमिलर एजुकेशन होना चाहिए, एक देश एक शिक्षा का स्तर होना चाहिए। NCERT के माध्यम से जो गांव में 6ठी क्लास से अंग्रेजी सिखाई जाती है, वो शिक्षा का विस्तार गांव के प्राइमरी एजुकेशन से पूरा शहरों तक होना चाहिए, और टीचर अच्छे गांव में भेजने चाहिए ताकि जो गरीब और दलित बच्चे हैं वो अच्छी एजुकेशन प्राप्त करके वो एक अच्छी एजुकेशन शिक्षा प्राप्त कर सकें। दूसरा, जो टेक्निकल एजुकेशन है उसका डेवलपमेंट के लिए स्किल इंडिया डेवलपमेंट कौशल विकास योजना के माध्यम से लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा, और वो प्रशिक्षित करने के बाद उन लोगों को बिजनेस करने के लिए भारत सरकार के माध्यम से पैसा दिया जाएगा ताकि वो अपने जीवन स्तर को बढ़ा सकें, और जो खुद नौकरी की तलाश कर रहे थे वो 40 लोगों को भी और नौकरी दे सकें, इससे ये फ़ायदा होगा। सर, अभी आपने जिन मंत्रियों का नाम लिया, गहलोत जी का नाम लिया या और भी नेताओं का नाम लिया, बाबा साहब के संविधान के तहत वो जीत कर तो आ जाते हैं, लेकिन जब दलितों पर और बहुजन समाज पर जब अत्याचार होते हैं और उनका मर्डर होता है, ये एक भी नेता अपनी आवाज़ ये नहीं उठाते कि दलितों पर इस तरीके अत्याचार क्यों हो रहे हैं। देखिए, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। दिल्ली में लोग सीवर के अंदर 300 रुपये पर 13 लोग मर गए, सीवर में सुप्रीम कोर्ट ने जाने के लिए मना किया,
और यूपी में एक मैला ढोने वाली महिला के सर पर टोकरी रखी हुई थी, वो किसी दबंग परिवार की लड़की का हाथ लग गया, उससे उसको जिंदा जला दिया, मार दिया गया। और ऐसी कई हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में घटनाएं हुई हैं, गुजरात में घटनाएं हुई हैं, वो बड़ी दर्दनीय घटनाएं हैं। जब ये दलितों से द्वारा चुने हुए नेता लोकसभा में पहुंच करके 125 सांसद वहां पर अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते, दिल्ली में अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते, ये उनके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक शब्द है कि वो जो दलितों के नाम से अपने घर पर बैठ करके संगठन चला रहे हैं, चंदे की दुकान चला रहे हैं, उनको अपनी दुकान बंद कर देनी चाहिए। क्योंकि संसद में हर जाति के नेता वहाँ पर पहुँच कर अपनी जाति के पक्ष को रखते हैं, लेकिन ये लोग वहाँ पहुँच करके अपने आप की आज़ादी को ख़त्म कर देते हैं। दूसरा बात यह है कि मैं एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देता हूँ कि कोयल काली होती है, कोयल अपनी भाषा जब बोलती है, कोकलाती है, तो दुनिया उसको प्यारी भाषा कहती है, लेकिन तोता जो है वो आदमी की भाषा बोलता है, इसलिए उसको पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। ये लोकसभा में पहुंचने से पहले तो कोयल की तरह बोलते हैं, जो लोगों को बहुत अच्छी लगती है, और लोकसभा में पहुंचने के बाद ये तोता बन जाते हैं, ये सरकार की भाषा बोलते हैं। सरकार को भी सोचना चाहिए कि जो 80% 85% दलित और पिछड़ा वर्ग है, जो अल्पसंख्यक वर्ग है, माइनॉरिटी है, उसके ऊपर अत्याचार को तुरंत रोके, और ये जो लोकसभा में और राज्यसभा में और विधानसभा में पहुंचे हुए लोग हैं वो भी इस बात को उठाएं, तभी इन लोगों की समाज में इज्जत होगी, वरना हम जैसे क्रांतिकारी लोग इन नेताओं की इज्जत करना बंद कर देंगे। सर, अभी आपने नेताओं की बात की और आप पढ़े लिखे और अफसर हैं और अफसर की बात करते हैं, अभी LIC के ही एक अफसर ने ढोल गंवार शुद्ध पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, ये तो तुलसीदास जी ने बोला था, लेकिन उसी को एक शरद श्रीवास्तव करके एक जो LIC के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं उन्होंने बोला ढोल गंवार शुद्ध पशु नारी ये सब पीटन के अधिकारी। तो अभी तक आज LIC और यहाँ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से और कई संस्थानों ने प्रोग्राम कराया, लेकिन अभी तक इस तरीके से किसी भी एक बुद्धिजीवी ने उस शख्स को रोकने की कोशिश नहीं की। देखिए, ऐसा है पत्रकार महोदय, सबसे बड़ी बात है कि हिंदू रामायण और गीता से चलता है, और हमारे मुस्लिम कुरान से चलते हैं, क्रिश्चियन बाइबल से चलते हैं, और सिख पंथ से चलते हैं, मगर पूरा भारतवर्ष देश के, भारत के डॉक्टर बाबा साहब के दिए हुए संविधान से चलता है। अगर इससे बढ़कर अगर वो तुलसीकृत रामायण की उल्टी सीधी हरकतों को लोगों के बीच में बोल करके जहर घोलने का काम करता है, तो ये जो आयोग बनाए गए हैं, उन आयोगों के माध्यम से उनके ऊपर एट्रोसिटी लगा करके जाति ताकि आधार पर उसको जहर घोलने के मामले में, ऐसे लोगों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दायर होना चाहिए। जो सरकार सिर्फ लोगों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दायर कर रही है, जो ऐसे दलितों और जिनको ये कहते हैं कि वोट के समय पर हिंदू बन जाते हैं और जब वोट निकल जाते हैं तो इनको शूद्र कहा जाता है, इनको जूते मारने का अधिकार दिया जाता है कि जूते के अधिकारी हैं, तो ऐसे लोगों को तुरंत एट्रोसिटी के अंदर बंद करके और इनकी सज़ा होनी चाहिए, और इनकी सज़ा जब तक ना हो जाए, कोर्ट का फैसला तब तक ना हो जाए, तब तक इनकी बेल नहीं होनी चाहिए। ये सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, हम देश को किस तरफ ले जाना चाहते हैं। देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए हैं, अमेरिका मंगल ग्रह पर, मार्स पर अपने लिए पानी ढूंढ रहा है, ज़मीन तलाश कर रहा है, और ये मंगल ग्रह के नाम से यहाँ पर मंदिरों में दान कर रहे हैं। ये इस देश की मानसिकता तब तक नहीं बदलेगी, वो व्यवस्था से बाहर नहीं निकलेंगे, अम्बेडकरवाद में जब तक नहीं आएंगे, बौद्धि को इस्तेमाल नहीं करेंगे, बौद्ध की धारा को इस्तेमाल नहीं करेंगे, बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक हम चाइना और USA की बराबरी नहीं कर सकते। धन्यवाद सर।